नमस्कार, आप लोग लाइव जुड़ चुके हैं जेके सनराइज के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में युवाओं को जो है वो रोजगार नहीं मिल रहा है। युवाओं की अगर बात की जाए तो बाहरी लोगों को यहाँ पर जो है वो काम दिए जा रहे हैं। तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो ठेके हैं वो बाहरी क्षेत्र के लोगों को दिए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो रोजगार नहीं मिल रहा है। और भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर युवा जो है वो सुरक्षित नहीं है, टारगेट किलिंग जो है वो उसको चलते उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग के चलते जो है कहीं ना कहीं जो है वो गलत हो रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। भाजपा सिर्फ जो है वो कुछ कर नहीं रही है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि नेका उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में लोगों को परेशान जो है वो किया जा रहा है, युवाओं को जो है वो रोजगार जो है वो नहीं मिल पा रहा है। और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में गैर स्थानीय युवाओं की जो हत्याओं को जो है करते हत्याओं के चलते उन्होंने निंदा की है और उन्होंने कहा कि भाजपा कहीं ना कहीं जो है इसे अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में हालात जो है वो सामान्य होने का दावा जो है वो करती है, लेकिन यहाँ तो आम नागरिक भी जो है वो सुरक्षित नहीं है। कहीं कहीं उन्होंने कहा है कि भाजपा हमेशा जो है हालात सामान्य जो है जम्मू कश्मीर में उसको लेकर हमेशा से बात करती है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हालात सामान्य नहीं है। टारगेट किलिंग जो है वो लगातार हो रही है और भाजपा प्रदेश हालात सामान्य का दावा जो है वो करती है, लेकिन यहाँ तो आम नागरिक भी जो है वो सुरक्षित नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने जो है इतनी बात कहते हुए कहा कि इस दौरान आरोप लगाया कि प्रदेश में अपने ही नागरिकों की जासूसी कराई जा रही है। जब पुलिसकर्मी घर घर जाकर पूछताछ कर रहे हैं, पूरे खानदान की तस्वीरें वो अन्य जानकारियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों की जुटाई जा रही हैं, जबकि ये काम तो जनगणना विभाग का होता है। सरकार को सब अपने ही लोगों पर जो है अब अपने ही लोगों पर जो है वो कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है। नेका उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में लोगों को जो है कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, युवाओं को जो है रोजगार नहीं मिल रहा, कोई युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है। प्रदेश में सभी ठेके जितने भी तमामी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ठेका निकलता है वो सब जो है वो बाहरी क्षेत्र के लोगों को जो है वो दिया जा रहा है। बिजली, पानी, रेत वो अन्य संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने रेत और बजरी को लेकर भी इतनी बात कही है कि तमाम चीजें जो है वो बाहर भेजी जा रही हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। दरबार मूव को चलते हुए, दरबार मूव की अगर बात करें तो दरबार मूव के चलते उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की आलोचना की, उन्होंने कहा अब जम्मू में रौनक नहीं लगती है, अब अफसर अपनी मर्जी से कभी जम्मू बैठ जाते हैं तो कभी अफसर जो है वो श्रीनगर में बैठ जाते हैं, लेकिन दरबार मूव होने से ये तय होता था कि 6 महीने जम्मू और 6 महीने श्रीनगर जाने की उनका साफ तौर पर कहना था कि इससे बिल्कुल तय होता था कि अगर आपको किसी से मुलाकात करनी है तो उसी के चलते आप लोग जो है 6 महीने के लिए जम्मू में जाते थे और 6 महीनों के लिए श्रीनगर जाते थे। अब अफसर अपनी मर्जी से कहीं भी जो है वो बैठ जाते हैं, कभी जम्मू बैठ जाते हैं, कभी श्रीनगर बैठ जाते हैं। और टारगेट किलिंग को लेकर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में लोग परेशान हैं। भाजपा हमेशा कहती है कि यहाँ पर हालात जो है जम्मू कश्मीर के ठीक है, पर जिस तरह से भी बीती रात भी जो है टारगेट किलिंग हुई है जिससे पंजाब के 2 युवा जो हैं जिनकी मृत्यु हुई है उसी के चलते उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि युवाओं को जो है यहाँ पर रोजगार भी नहीं मिल रहा, तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं जितने भी ठेके निकलते हैं वो सब बाहरी क्षेत्र के लोगों को दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टर्स को भी जो है अनदेखा किया जा रहा है। तो इसी के चलते उन्होंने कहा है कि सरकार हमेशा दावे करती है, चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ी बात की है। उनका ये कहना था साफ तौर पर कि यहाँ पर भी भाजपा को लगता है कि वो चुनाव जो है वो जीत नहीं पाएंगे, वहां पर भाजपा जो है वो चुनाव नहीं करवाती है। तो कई सारी अन्य बातें जो है उन्होंने भाजपा को घेरते हुए जो है नेका उपाध्यक्ष यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट ने उमर अब्दुल्ला ने आज कही है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए। नमस्कार।